वन अधिकार अधिनियम का जब हम लोगों ने समाचारों में सुना कि ऐसा एक अधिनियम आ रहा है जो वन अधिनियम 1927 के अगेंस्ट में जो ऐतिहासिक अन्याय लोगों के साथ में आदिवासियों के साथ में हुआ था उसका खात्मा करने के लिए लोकसभा ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें ऐतिहासिक अन्याय खत्म करने के तीन तरीके उनने सुझाए थे। व्यक्तिगत दावा लोगों को मिलेंगे जहाँ उनका कब्जा है उसको सेटल किया जाएगा, जंगल के रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा। उसके साथ में सामुदायिक दावा, जहाँ जहाँ समुदाय जंगल की ज़मीन का इस्तेमाल करता था, उपयोग करता था, जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ पूजा पाठ करता था, जहाँ वो वनोपज कलेक्शन करने के लिए जाता था और जहाँ उनके जानवर चरने जाते थे, जहाँ वो अपने दैनिक उपयोग के लिए और घरेलू उपयोग के लिए कोई तीज त्यौहार में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी उन चीज़ों को लेने के लिए जहाँ जहाँ जाते थे, उन सब चीज़ों के सामुदायिक अधिकार उनको दिए जाने थे। और उसके साथ में संसाधनों पर अधिकार, जहाँ जहाँ जिस जंगल पर शुरू से उनका अधिकार था उसका स्वामित्व उनको मिले और उसका संवर्धन, संरक्षण और उसका विकास की गतिविधि उसमें करें और अपनी आजीविका का निर्माण भी उसी में करें, ऐसा काम संसाधनों पर अधिकार के लिए भी उनने जो तीन तरीके के अधिकार दिए हैं, तीनों मुद्दों को लेकर के हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। जय भारती शिक्षा केंद्र की शुरुआत हम लोगों ने, युवाओं ने एक संगठन का निर्माण किया और उसका उद्देश्य था कि कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और ये संगठन 15 अगस्त 1989 में बना और उसके साथ लगातार हम लोग जैसे जैसे समस्याएं आती गई, जैसे जैसे उनका निदान के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रयास किए और आज हम लोग सारे मुद्दों को कवर करके, वाटर शेड हो गया, पंचायती राज हो गया और ग्रामीण विकास हो गया और वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के हो गया और SHG को लेकर के हो गया, SHG का फेडरेशन बना करके, ऐसे तमाम मुद्दों में हम लोग काम करते हुए अभी तक। पूरा अधिनियम जो है वो ग्राम सभा की सक्रियता पर ही डिपेंड करता है। यदि ग्राम सभा में सक्रियता नहीं है तो वो अधिनियम का सही सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने हर गांव में ग्राम विकास समिति का गठन किया। ग्राम विकास समिति में 10 महिला 10 पुरुष होते हैं और उनमें भी प्रत्येक महिला और पुरुष के जो ग्रुप हैं उसमें 5 युवा और 5 बुजुर्ग होते हैं, एक सामाजिक वकील होता है, कुछ गायक कलाकार होते हैं, ऐसा करके हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। ग्राम सभा की बैठक पहले एक माह में होती थी हर बैठक, लेकिन अब जो है हमारे ग्राम विकास समिति की बैठक जो है 15 दिन में होना शुरू हो गया था, तो उसके चलते चलते ग्राम सभा की बैठक भी 15 दिन में होने लगा। अब 15 दिन में होने लगा तो हमारे ग्राम विकास समिति जो है वो डेली बैठना शुरू कर दिया, तो ग्राम सभा भी डेली बैठना शुरू हो गया और इसी के चलते जो है हमारे यहाँ का जो कोई भी समस्याएं हैं वो सब निदान होते हैं। गांव का जब बैठक होती है तो वहाँ कोई भी चीज़ का प्रस्ताव होता है, वो प्रस्ताव को हम लोग पारित करके और उसको मान लो उलझनों को निकालते हैं और सुलझाते हैं। जो भी जैसे गांव में हमारे तो यहाँ गौण जाति के लोग हैं, बैगा हैं, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। यहाँ हमारे यहाँ जय भारती शिक्षा केंद्र के प्रमुख भारत नामदेव जी के माध्यम से कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, उसके तहत हमारे गांव में वन अधिकार समिति का गठन हुआ। उसके आधार से हमें जो ग्राम सभा के द्वारा वन अधिकार के तहत जो भी लड़ाइयां लड़नी पड़ी उसके माध्यम से हमारे गांव में गरीब किसानों को जो वन अधिकार के अंतर्गत जो वन में काबिज रहे उन्हें 44 लोगों को पट्टा मिला है। निरस्त करने के बाद हमको बताते नहीं थे कि आपका मतलब दावा निरस्त हो गया, वो न कोई चिट्ठी देते थे ना कोई खबर हुआ, तो बाद में एक साल या दो साल के बाद में पता चलता था कि आपका दावा तो निरस्त हो गया है। जय भारती संस्था से हमको जितने भी मतलब जानकारी मिलते थे तो उसके आधार पे वहाँ दौड़ धूपी करते थे। जाके फिर 2016 में जाके कटनी में 2145 और ढीमरखेड़ा में आ गए 809 और हमारे कोठी में मिले थे 44 पट्टे। सामुदायिक वन अधिकार मिले इसके लिए आप लोग क्या क्या प्रयास किए हो अभी तक? समुदाय के विषय में हमने यह प्रयास किया है कि हमारे जो पट्टे मिलने थे वो पट्टों के विषय में हमने बहुत दौड़ धूप किया। हमने यहाँ तक कि SDM कार्यालय में पहुँचकर कलेक्ट्रेट में भी जा करके और अपने ब्लॉक के हर कर्मचारियों से मिलते जुलते हुए और इसका प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों को मात्र पट्टा मिल पाए हैं, बाकी जो सामुदायिक पट्टे हैं जो जरूरी पट्टे थे वो अभी पूरी बाकी हैं।
ट्रेनिंग में हमें उनके माध्यम से ये सीखने को मिला कि गांव के विकास के बारे में, ये जंगल जमीन के बारे में और अन्य कई लाभ उन्होंने हमको बताया इसके माध्यम से। हमने ये सामुदायिक दावा लगवाए थे SDM साहब के यहाँ, उससे हमें 200 एकड़ का सामुदायिक दावा देने के बोले थे। उतने में हमारे गांव की गुजर नहीं होगा, जबकि हमारे गांव की 1700-1800 जनसंख्या है। कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन हमें चाहिए सामुदायिक दावा में। 2008 में जब यह अधिनियम आया तो उस समय हम लोगों ने पूरे गांव में यात्रा निकाली ताकि वन अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी हो सके कि वन अधिकार क्या है। लोग उस बार नहीं समझे, उसके बाद साल दो साल के बाद फिर हमने दोबारा यात्रा निकाली और उसका इम्पैक्ट ये देखा कि उसके बाद लोगों को पट्टा मिलना चालू हो गए। लोगों ने आवेदन कैसे भरा, क्या परेशानी थी, जो आवेदन था वो निःशुल्क हमने छपवा करके बांटा, जो उसके कानून के जो बिंदु थे उनको हमने निःशुल्क बना करके बांटा और उसके बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ गाँव में कैंपेन की। कैंपेन करने के बाद लोगों को जानकारी हुई और धीरे धीरे वो खुद समस्या को लेकर के बातचीत करने लगे, उनकी समस्या के निदान के लिए काम करने लगे। फिर जब हमको महसूस हुआ कि हमको ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियों से बात करनी चाहिए तो ब्लॉक और जिला स्तर कमेटियों से भी हमने प्रावधान रखा। तो लोगों को अब सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इकट्ठा वो बेच रहे हैं, अनाज भी बेच रहे हैं, महुआ इकट्ठा होता है उसको भी बेच रहे हैं और हर्रा बहेरा और बेल इकट्ठा होता है तो उसको सुखा करके भी ये इकट्ठा बेच रहे हैं। ऐसा आर्थिक लाभ हुआ और राजनीतिक लाभ ये हुआ है कि इनमें अब एकजुटता के कारण इनमें जो ताकत महसूस हो रही है उसमें नेतृत्व क्षमता भी विकसित हुई है। नेतृत्व क्षमता विकसित होने के बाद धीरे धीरे राजनीतिक पद जो हैं, जो लोकतंत्र की पहचान का जो प्रारंभिक सीढ़ी है, पंच से लेकर के सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इस तरीके के लोग अब धीरे धीरे पदों में आ रहे हैं और उनमें उत्साह है कि हम इसका लोगों को समाज का नेतृत्व करेंगे। अब समाज का नेतृत्व करेंगे, उसके साथ में गांव का नेतृत्व करेंगे, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, ऐसी प्रतिभा उन्होंने प्रकट करके आ चुकी है। झगड़ा हो रहा है या कहीं कोई शराब पी रहा है या कोई कुछ भी उलझन हो रहा है या कोई अनाप शनाप बातें हो रहे हैं, वहाँ ग्राम विकास समिति जाकर निरीक्षण करता है और उनको सुझाव देता है, उनको अपने रास्ते पे लाता है। अभी तक हमने ये शराब मुक्त का काम किया है, शराब मुक्त किए गांव को सभी के माध्यम से, सब लोग ताकत से। और स्वच्छता के बारे में भी हमारे यह कार्यक्रम जारी है कि स्वच्छता भी है, खुले में शौच के लिए कोई ना जाए। तो मैं तो नहीं बन, तो गांव वाले पीते थे, खाते थे, उधम मताते थे, लड़ाई झगड़ा, बाल बच्चों को उधम करना और अपने महलों को मारना, घर से निकालना। अब कैसा है? अब हमारा गांव ठीक है, सुधर गया है। गांव के लोग दूसरे जगह जाते हैं तो जैसे दूसरे गांव वाले कहते हैं पी लो शराब, तो गांव वाले कहते हैं हम नहीं पियेंगे, अगर हम लोग शराब पी लेंगे हमारे गांव में जानकारी हो जाएगा तो हमको जुड़वाना लगाएंगे, इसलिए हम नहीं पियेंगे। अवैध खनन रोकने के लिए ग्राम विकास समिति में बैठक करके और एक अपना बैठक करके मतलब वो बनाया गया समिति को, मतलब अलर्ट किया गया कि अवैध खनन कैसे रोके, ऐसे करके हमने बैठक किया। इसके बाद जो है वन विभाग को सूचना किया कि हमारे गांव में अवैध खनन हो रहा है तो आप इसको देखें, और गांव के लोग भी, एक समुदाय के लोग, महिला पुरुष हम साथ थे, इकट्ठे होकर जो चोरी कर रहे थे उनको ट्रैक्टर को रोका और उसके बाद जो है उनको बताया गया कि आप चोरी करेंगे तो आपके लिए जुर्माना रखेंगे। क्या जुर्माना तय किए थे? जुर्माना हमने 5000 रुपये तय किया था। बगल से नाला लगा है, वहाँ से रेत जा रहा है, इसलिए उस रेत को मैं रोक के रखा हूँ, जो बाहर ले जा रहे हैं चोर लोग उसको रोक करके रखा हूँ। यदि 13 ट्राली उसको इकट्ठा किया हूँ, इकट्ठा करके अगर कोई 3000 रुपये देगा उसको पंचायत से, अपन में समिति से, उस ग्राम सभा की समिति से मैं उसको रसीद काट के देंगा, तब उसको देंगा, नहीं तो वो सामान मेरा रोका रहा है कि मैं किसी को क्यों देऊँ। जब से ग्राम समिति की हमारी जब गठन भई उस समय से हम लोगों इसको रोकथाम किए। जंगल से हमें जैसे जलाऊ लकड़ी है, वन औषधियाँ हैं, फल हैं, हर्रा बहेड़ा, चार चिरौंजी इत्यादि बहुत से ऐसे फायदे हैं। तेंदू पत्ता भी जंगल से तोड़कर अपने गरीब लोग जीवन यापन करते हैं। गांव के भविष्य के लिए हमारा यही सोच है, जिस प्रकार की जंगल से जो कई लाभ मिलते हैं वो लाभ हमें पूरी तरह नहीं मिल पाते, जैसे तेंदू पत्ता है या आंवला है, महुआ है, ये कटर है या हर्रा है, बहेड़ा है, ये आदि चीज़ें जो हैं ये हमको इनका पूरी लाभ नहीं मिल रहा। तो हमारा प्रयास यही है कि हम
इनको अपने कब्जे में करें और इनका देखभाल करें, ताकि जो ठेकेदार जो ले जा रहे हैं उनका लाभ ले रहे हैं, वो लाभ जो है हम तक पहुंचे, ये हमारा आगे का उद्देश्य बन रहा है।